वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। मेरा नाम सरदार अमर सिंह, चेयरमैन पाकिस्तान खालसा सिख कौंसल एंड नेशनल पीस कमेटी फॉर इंटरफेथ हारमनी, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कराची डिवीज़न वाइस प्रेसिडेंट। आज हम सारे जने गवर्नर हाउस में इकट्ठे हैं बाबा गुरु नानक का बर्थडे 555 सेलिब्रेशन करने के लिए। आज हम यहाँ पर सारी हमारी कराची की पंजाबी सिख संगत और गुरु नानक दरबार की समूह संगत आज यहाँ पर इकट्ठी है गवर्नर हाउस के अंदर, और 555 बर्थडे बाबा गुरु नानक का सेलिब्रेशन करने के लिए आज हम सब यहाँ मधु है। और हम सिख कम्युनिटी की तरफ से गवर्नर साहब का तहरे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। इतना हसीन मौका और इतना हसीन गुलदस्ता गवर्नर साहब की सरपरस्ती की आला के अंदर लगाया गया है गवर्नर हाउस सिंध के अंदर। मैं दुनिया भर में बसने वाले, पाकिस्तान में बसने वाले तमाम सिख भाई बहनों को बाबा गुरु नानक के 555 जन्मदिन की लख लख करोड़ा बार वधाई देंदा वहाँ। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। सरदार साहब, आज आप गवर्नर हाउस आए हुए हैं, तो इस हवाले से थोड़ा सा बताइएगा कि क्या, किस तकरीब के हवाले से आप यहाँ आए? वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। मेरा नाम अनिल सिंह है। इतने असं इकट्ठे हुए हैं बाबा गुरु नानक का 555 गुरपुरब मनाने। तो मेरे वालों दुनिया के वसण वाले तमाम गुरु नानक नाम लेवा संगत को गुरपुरब की लख लख बधाई हो। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। जी सरदार साहब, आप बताएंगे कि आज सिंध गवर्नर हाउस में तकरीब रखी गई है गुरु नानक जी के हवाले से, तो इस बारे में थोड़ा सा आप बताएं। थैंक यू। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। मैं सरदार गुरमुख सिंह साहब का सिटी काउंसलर और तमाम सिख बरादरी को और जितने भी हमारे पाकिस्तान और दिगर ममालिक के हमारे सिख भाई हैं उनको बाबा गुरु नानक साहब की 555वीं सालगिरह पर मुबारकबाद देता हूँ। लख लख वधाइयां जी आयां नूं, गुरु साहब तुहानूं चढ़दी कला रखे। और हम तहे दिल से शुक्रिया अदा भी करते हैं गवर्नर साहब का, कामरान टेसोरी साहब का, कि उन्होंने इस प्रोग्राम को यहाँ पर बड़े अच्छे पैमाने पर रखा। और यहाँ पर अभी थोड़ी देर बाद प्रोग्राम का आगाज़ किया जाएगा, जिसमें कीर्तन वगैरह भी। शुक्रिया।
यहाँ के तमाम मौजूदीन यहाँ गवर्नर हाउस में मौजूद है, जहाँ 555वीं सालगिरह गुरु नानक की सेलिब्रेट की जा रही है। बहसियत गवर्नर से आज मैंने यहाँ एहतमाम किया है। हम यहाँ केक भी काटेंगे, फायरवर्क भी करेंगे और अपने सिख बरादरी के जो दोस्त हैं, भाई हैं, सज्जन हैं, उनके साथ इस खुशी में मैं बहसियत गवर्नर से उनके साथ बोले दोस्त बैठे हुए, तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा बाकी से कि स्पीच अपने तमाम ही सिख बरादरी से ताल्लुक रखने वाले भाई बहनों को गवर्नर हाउस आमद पर खुशामदीद कहता हूँ। मैं यहाँ अपने काउंसिल जनरल्स, हमारे मीडिया के दोस्त और हमारे बाकी दोस्तों को भी आज की इस खुसूसी तकरीब में, जहाँ हम हमारे जो सिख बरादरी के दोस्त हैं उनकी एक ऐसी शख्सियत जिसे हम गुरु नानक के नाम से जानते हैं, जिनका 555वां आज जो है 555वां सेलिब्रेशन है, सेलिब्रेशन बर्थडे की है, केक कटिंग सेरेमनी है, जिसे हमने हमेशा की तरह, जिस तरह हम बाकी अपने अकलियती भाइयों और दोस्तों के त्यौहार इस गवर्नर हाउस में सेलिब्रेट करते हैं, मनाते हैं, इससे पहले आपने देखा कि हमने सबसे पहले हमारी जो क्रिश्चियन बरादरी से ताल्लुक रखने वाले दोस्त हैं उनके लिए यहाँ उनके उस त्यौहार में गवर्नर हाउस में तकरीब मुनक्कद की। उसके बाद हमने हमारे हिंदू बरादरी से ताल्लुक रखने वाली शख्सियात और उनके त्यौहार के लिए होली की तकरीब का इनेकाद किया, दिवाली की तकरीब का, होली का भी हमने एहतमाम किया था, फिर दिवाली अभी हमने पिछले हफ्ते यहाँ मनाई और आज हम अपने सिख दोस्तों और भाइयों की इस सेलिब्रेशन में उनके साथ खड़े हैं। असल जो मैसेज है यहाँ इस गवर्नर हाउस से, वो ये हम अपने पड़ोसी मुल्क भारत को भी देना चाहते हैं कि आए तो देखें कि किस तरह पाकिस्तान में हुकूमती सतह अपनी अकलियतों को तहफ्फुज, प्यार, मोहब्बत और इज्जत दी जा रही है। क्या यहाँ इस सूबे का जो गवर्नर है वो खुद आज गुरु नानक की जो सालगिरह है उसकी सेलिब्रेशन में यहाँ पर केक भी काटेगा, यहाँ फायरवर्क्स भी होंगे, यहाँ आप लोगों के साथ मिलकर हम इस खुशी में आपके शाना बशाना होंगे। और उसकी वजह सिर्फ एक ही कि हमने सबने मिलकर इस पाकिस्तान को तरक्की दे दी। आज पाकिस्तान की तरक्की में जितना हाथ पाकिस्तान में रहने वाले मुसलमानों का है, उतना ही हाथ इस पाकिस्तान में रहने वाले हिंदू पाकिस्तानियों का है, उतना ही हाथ हमारे सिख पाकिस्तानियों का है और इतना ही हाथ हमारे क्रिश्चियन पाकिस्तानी भाइयों का है। क्योंकि हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि हमें तमाम मजाहिब के लोगों को इज्जत देनी है, मर्तबा देना है और प्यार देना है। और उसी फरमान पर चलते हुए हमने इस गवर्नर हाउस के दरवाजे तमाम मजाहिब, तमाम अकलियतों, तमाम मसालिक के लिए खोले हैं और ये बताया है दुनिया को कि पाकिस्तान अकलियतों के लिए एक महफूज तरीन जगह है। और ये आपको हमने सिर्फ जबान नहीं बताया, आज अमन यहाँ हम सब मौजूद हैं
और इस बात के लिए मौजूद है कि हम आपके साथ आपकी खुशियों में भी और आपके गम में शरीक हैं, क्योंकि हम सब पाकिस्तानी हैं। और मैं अपने उन तमाम दोस्त ममालिक के काउंसल जनरल्स का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, जिसमें हमारे रशिया के एक काउंसल जनरल हैं, श्रीलंका के काउंसल जनरल हैं, बांग्लादेश के काउंसल जनरल हैं, ओमान के काउंसल जनरल हैं, मलेशिया के काउंसल जनरल हैं, जो हमेशा हमारी इन तकारीब में शिरकत करते हैं, हमारी हौसला अफजाई करते हैं। और मैं इनसे भी कहूँगा कि जाकर जब अपने अपने फॉरन ऑफिस को लिखें तो ये ज़रूर बताएं कि पाकिस्तान अकलियतों के एतबार से एक महफूज मुल्क है, जो अपने लोगों को, अपने गैर जो मजाहब के लोग हैं उन्हें भी उतनी ही इज्जत देता है जितनी एक मुसलमान को इस मुल्क में प्यार, इज्जत और वकार हासिल है। तो मैं समझता हूँ कि एक दफ़ा फिर हमारे जितने सिख बरादरी से ताल्लुक रखने वाले भाई बहन यहाँ मौजूद हैं उनको मैं दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ। बल्कि मैंने जो आपके पंजाब में इस वक्त एक सिख मिनिस्टर है, मैंने इन्वाइट भी किया था, वो आना भी चाहते थे, लेकिन उस मौके की वजह से फ्लाइटों का इशू था जो वो नहीं आ पाए, लेकिन उन्होंने मुझे दावत दी है। और मैं आपको बता दूं कि मैं जो आपका वहाँ ननकाना साहब के जो इवेंट है उसमें भी शरीक होऊंगा, आपके उस गुरुद्वारे में भी जाऊंगा, और इंशाल्लाह ताला आपके साथ हम मिलकर आपकी खुशियों में आपके साथ खड़े होंगे। इसके अलावा भी जो आज आपकी पूरी बिरादरी यहाँ मौजूद है, उनके बड़े मौजूद हैं, उनको मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि जिस तरह गवर्नर हाउस में मुख्तलिफ किस्म के इनिशिएटिव्स लिए गए हैं जो कि, और हम एक रुपया चार्ज नहीं करते, जो कोर्स हम उनको करवा रहे हैं उसकी मालियत 9 से 12 लाख रुपए है, जो कि मुफ्त किया जा रहा है, उसको करवाया जा रहा है। तो मैं आज यहाँ इसे ये ऑफर कर रहा हूँ अपनी इस सिख बरादरी को कि आपके जो बड़े हमें नाम देंगे तो हम स्पेशल कोटा जो है आईटी में आपकी सिख बरादरी के लिए मैं मुख्तस करूंगा, और उन बच्चे बच्चियों को हम आईटी सिखाएंगे। इसी तरह हमारे पास जो मुफ्त मोटर बाइक दी जाती है अगर किसी की चोरी हो जाए और अगर वो अफोर्ड नहीं कर सकता तो गवर्नर हाउस उसे मुफ्त मोटर बाइक देता है। अगर क्योंकि हमारे पास लंबी लाइन है, 8,000 लोगों की वेटिंग लिस्ट है, लेकिन आज की खुशी में मैं ये भी अनाउंसमेंट करता हूं कि किसी भी हमारे सिख भाई की मोटर बाइक कराची में चोरी होगी तो उसको बगैर लाइन के हम फौरी तौर पे देंगे। इसी और अभी तक 8.5 लाख राशन हम मुख्तलिफ लोगों में बगैर रंग, नस्ल, तहजीब, मजहब के बांटते रहते, लेकिन अगर मैं समझता हूँ कि कोई भी हमारा सिख बरादरी से ताल्लुक रखने वाला शख्स अगर आपकी तरफ से मुझे लिस्ट मिल जाए तो हम राशन की डिस्ट्रीब्यूशन का मंथली उसके घर तक पहुँचाने का इंतजाम भी करेंगे इंशाल्लाह। मकसद सिर्फ ये है कि पाकिस्तान में चाहे सिख बरादरी हो, हिंदू बरादरी हो, क्रिश्चियन बरादरी हो, कोई भी अकलियत हो, उसे तहफ्फुज हासिल है, हम उसके साथ खड़े हैं। और जो पाकिस्तान की तरक्की है, पाकिस्तान की जो मईशत में तरक्की है, मैं ये समझता हूँ जब तक तमाम अकलियतें उसमें अपना हिस्सा नहीं डालेंगी पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता। हमें आपकी ज़रूरत है, तो पाकिस्तान आपके लिए महफूज है और हमारे दिल और दरवाजे आपकी इस बरादरी के लिए खुले हैं। मेरा ये मानना है कि अमूमन जितने मेरा आज दिन तक सिख ब्रदर भाइयों से ताल्लुक रहा है, वास्ता पड़ा है, मुझे ये बेहतरीन लोग लगे हैं, मर्द लोग हैं, जिदा लोग हैं और खड़े होने वाले लोग। तो मैं आपको वैसे भी वेलकम करता हूँ और ये यकीन दिलाना चाहता हूँ आपकी बिरादरी को कि आज पाकिस्तान मईशत की जिस मंजिल की तरफ चल रहा है, जो हमारे पास में हासिल होने वाला है, आज आप देखें पाकिस्तान का स्टॉक एक्सचेंज 90,000 से क्रॉस कर गया है, पाकिस्तान में इंटरेस्ट रेट कम हो रहा है। मैं अपने तमाम खलीजी ममालिक के भाइयों को और हमारे जो बाकी ममालिक हैं, मुझे खुशी है कि रशिया, रूस के एम्बेसडर और काउंसल जनरल अभी 2 दिन पहले जब मेरे पास आए, आज भी काउंसल जनरल यहाँ मौजूद है,
तो उन्होंने ये बताया कि उनकी गवर्नमेंट चाहती है कि हम पाकिस्तान में और कराची में इन्वेस्टमेंट करें, स्टील मिल को रिवाइव करें, रेलवे सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करें, इसी तरह सऊदी अरब की जो परवाज है उस पर चढ़ने वाला है और मुझे ये यकीन है कि उसका फायदा हम सबको होगा, हमारी बिजनेस कम्युनिटी सबसे पहले मैं राजा सिंह कामरान किशोरी साहब का पाकिस्तान में और सिंध में बसने वाली और दुनिया भर में बसने वाली सिख बरादरी की जानिब से एड्रेस से शुक्रिया अदा करता हूँ कि गवर्नर सिंह जो आज उन्होंने गुरु नानक साहब की 550वीं जन्मदिन की तकरीबा गुरु नानक चले जी सत श्री अकाल और ये माइक पर इसके बाद तो हम से नानक आया नानक आया कल तारण गुरु नानक आया नानक आपसे अस्सलाम वालेकुम सत श्री अकाल। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कामरान तिसोरी साहब का, गवर्नर सिंह जिन्होंने 550वीं गुरु नानक साहिब की जन्मदिन पर जो है ये प्रोग्राम अरेंज किया है और हम तमाम कम्युनिटी को इसकी मुबारकबाद पेश की। सर्व मंगल मंगलिये शिव सर्व साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणे सर्वधर्मान प्रतिजमामि एकम शरणं व्रजः अहम तमाम स्वरूप विद्यो पक्षे स्वयं बसे। हम सबसे पहले हमारे वतन पाकिस्तान के लिए दुआ करेंगे कि खुदा करे मेरे अर्ज पाक पर उतरें वो फसल गुल जिसे अंदेशा जवाल ना हो और यहाँ पर जो फूल खिलें वो खिलता रहें सदियों, यहाँ पर खिजा को भी गुजरने की बजाल ना हो और खुदा करे ईश्वर करे श्री राम करे हम तमाम लोगों के लिए हयात जुर्म ना हो जिंदगी बवाल ना हो। मैं प्रोफेसर मनोज चौहान हिंदू मजहबी स्कॉलर पाकिस्तान और प्रेसिडेंट सनातन धर्म सोसाइटी पाकिस्तान तमाम पाकिस्तानियों को और दुनिया में पाकिस्तान से लेकर विश्व में जहाँ भी सिख बरादरी बसती है वही गुरु को मानने वाले बसते हैं उन तमाम लोगों को 555वीं गुरु नानक का जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो, लख बधाइयाँ बधाइयों उनको अभिनंदन पेश करते हैं। पाकिस्तान में बसने वाली तमाम हिंदू बरादरी सिख बरादरी को अभिनंदन पेश करते हैं और मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा जिन्होंने पाकिस्तान का एक नया इतिहास बनाया। हर मजहब के हर मसलक के हर अध्ययन के लोग यहाँ पर जमा हैं और कभी वो दिवाली मनाते हैं कभी वो सेलिब्रेशन करते हैं होली का। मैं श्री गवर्नर टिसोरी जी, मैं प्रोफेसर मनोज चौहान हिंदू स्कॉलर पाकिस्तान प्रेसिडेंट सनातन धर्म सोसाइटी पाकिस्तान गवर्नर सिंह श्री कामरान टिसोरी जी को मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा कि आज पाकिस्तान में एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने पाकिस्तान की हिस्ट्री में इतिहास बर्पा कर दिया। ना यहाँ पर कोई हिंदू है, ना कोई सिख है, ना कोई मुसलमान है, ना कोई शिया है, ना कोई अहले तशय्यु है, बल्कि तमाम लोगों को यकजा किया जो हमारे नबी का मैसेज था सरवर कौनैन सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि ना किसी अरबी को किसी अजमी पर और काले को गोरे पर कोई फोकियत नहीं। और इसकी जो लाजवाल मिसाल पेश की गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी भाई को कि गवर्नर हाउस में आम लोगों के लिए दरवाजे खुले रखें, कभी वो दिवाली मनाते हैं सेलिब्रेशन करते हैं, कभी होली मनाते हैं और कभी वो बसंत मनाते हैं और आज वाहे गुरु का जन्मदिन जो पूरी दुनिया मना रही है सिख बरादरी गवर्नर हाउस मनाया गया। मैं मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा ऐसी शख्सियत जो आने वाले वक्तों में मुझे हमारी दुआ है कि वो पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए, प्रधानमंत्री होना चाहिए, ऐसा प्रधानमंत्री होना चाहिए जो मजहब से बालातर होकर काम करता है, सेक्स से बालातर होकर काम करता है, रंग और नस्ल से बालातर होकर काम करता है। एक वर्ड में कामरान तिसोरी जी के लिए ज़रूर कहना चाहूँगा कि सेतु हो तुम मेरे मन के समक्ष और मध्य के आरंभ में, मैं हूँ प्रतिबंध तुम्हारे मन का, तुम हो मेरे हृदय का दर्पण, कोटि कोटि वंदन गुरुदेव तुम्हारे चरणों में।
कोटि कोटि वंदन गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। तेज से जिसके आज सूक्ष्म, प्रताप से जिसके भविष्य उज्जवल, और परिवर्तन है जिसके चरणों में, इस रक्त का हर कतरा हर कण।